देखा 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 भाग गए भाग गए भाग गया, देर के मारे भाग गया। सरजू सिंह, मैं भाग कर नहीं जाऊंगा। ये देख मैं तेरे सामने खड़ा हूं। अगर मर्द है तो सामने आ, छुप छुप के क्यों लड़ता है? तुम मेरी आवाज सुन सकते हो सरजू सिंह, मुझे देख नहीं सकते। देख तो नहीं सकता क्योंकि मेरे गले में गजब का माला है। गजब का माला सरजू सिंह। तलवार की छीन लिया। अरे चला जी, हमने मैंने कहा नहीं आए भाई, मेरी तलवार तूने नहीं छीना, फिर किसने छीना? और क्या करेंगे, चल ये देख हरामजादे, मैं तेरे सामने हूँ। क्या तलाश रहा है? तेरे सारे औजार मेरे पास है, और जा बता देना अपने महाराज जगदीप सिंह से। क्या बता दूंगा, मेरा नाम ज्वाला है और मेरे पास से गजब का माला है, और बाबा जी को मारना चाहता था। अगर तुम नहीं आते तो उसके हाथ काट दी। अरे तो मैं तेरा आ जाते हे घाघरा चलन आज मेरा छोड़ दे। भागो आते जाओ, हटो जाओ, भाग भाग। बाबा जी। हाँ बेटा। मैं आपसे जो पूछूं, मुझे साफ साफ बताओ। बेटा पूछ सकते हो। और मुझे बाबा अपनी, और मुझे बाबा अपनी, और मुझे बाबा अपनी कहानी सुनाओ। बाबा जी बताइए, ये तुम्हें कैद करके क्यों मारना चाहता था? बेटा अपनी कहानी मैं अवश्य बताऊंगा, और मेरी कहानी के साथ साथ और भी कहानी जुड़ी है। आज के 18 साल पहले की बात है, मैं पटना रियासत में सेनापति की सीट पर था। पटना रियासत? हाँ, मेरे महाराज वह महारानी तथा सातवें राजकुमार पवन गढ़बिठूर नहाने के लिए निकले रथ पर बैठकर। मैं रक्षा के लिए था। वहाँ के महामंत्री जगदीप सिंह ने सेना झाला सिंह ठाकुर से मिलकर मेरे महाराज के ऊपर हमला करवाया। वहाँ पर काफी लड़ाई हुई। उसके बाद
उन दरिंदों ने मेरे पैर में गोली मार दिया। उसके बाद मैं महारानी के पास पहुंचा तो देखा मेरे महाराज का खून हो चुका है और राजकुमार कौन मेरी महारानी की गोद में। महारानी ने रक्षा के लिए मुझे सौंपा। मैं राजकुमार को अपनी गोद में लिया और नदी के किनारे पहुंचाया। डाकू झाला फिर मेरा पीछा किया और उसके बाद मैं देखा कि राजकुमार की रक्षा नहीं कर सकूंगा, इसलिए बेटा मैंने राजकुमार पौन को गंगा मां की गोद में सौंप दिया। उसके बाद वो दरिंदा मेरे पास पहुंचा, मुझे भी नदी में फेंक दिया, लेकिन मैं किनारे लगा। उसके बाद फिर दरबार पहुंचा, उसके बाद दरबार पहुंचा, वहां पर काफी फिर लड़ाई हुई। उसके बाद वहां के मंत्री जगदीप सिंह ने मुझे कैद खाने में डलवा दिया। उसके बाद बेटा आज मुझे निकाला, उसने कहा राजा को, मैंने राजा कहने से इनकार कर दिया, इसलिए इसके द्वारा मेरे दोनों हाथ और दोनों पैर काटने के आदेश दिए। बेटा ये तो अच्छा हुआ तुम आ गए, नहीं तो ये दरिंदे आज मुझे इस दुनिया से मिटा देते और मेरी महारानी का कोई पता नहीं है बाबा जी संसार में है या नहीं। बाबा जी आप घबराए मत, क्या आप मेरे साथ चलिए, अभी आपकी महारानी जी जिंदा है। क्या? हाँ मेरी महारानी जिंदा है। हाँ जल्दी चलो बेटा, चलो मैं आपकी महारानी से आपको मिलाता हूँ। महाराज कि तुम्हारी हालत किसे बनाई? महाराज बता दे, बता दे। नहीं आपका क्या नाम? कार्टून बन क्या है? कार्टून भैया नहीं है तो खोलो तो बताई, जान पर रह पर आ जाब हम। अरे राम हो ये जानी तो हम ना जाई तेरे दादा हो। तुम लोगों के साथ ये घटना कैसे हुई? ये घटना का महाराज तू हमको न भेजा और चाहे न तो नौटंकी नौटंकी रह जाए मोईठा मरिया। अरे महाराज जैसे लेके दुनो जने गए जवन जंगला में जवन है तवन से, जैसे हम नंबर बोला है हाथ काटे किन जवन है तवन से। साफ साफ बताओ वरना बदल के चमड़े खींच लूंगा। अरे तो सुनबो तो उतो सुनियो जवन कहा सुनियो। जो तूने कहा उसे मैंने सुना, तब से सुनो तो एक ठुन वो आएगा के आएगा हो लौंडा हो जवन है तो उनसे लौंडा लौंडा कैसा लौंडा है? अरे उस वह एक तो जवान था वो नहीं एक था नौ नहीं थे तंदुरुस्त था हट्टा कट्टा लड़का था उसका नाम ज्वाला था अपना नाम ज्वाला बता रहा था। तब क्या हुआ? अरे कुछ का जवान पहलाए की इनका तो मारी झूर है इनका झूर है मारी धमती लगा है कि मारी। लेकिन नौजवान है कैसा? अरे जो हमारे सेनापति बहादुर सेनापति को कैद कर लिया। अरे वके वो वके पास गजब के माला बा भाई। क्या चीज माला? रे माला साहब महाराज। कैसा माला है वो? अरे वो पहन लिए ना वो गायब हो जाए और जो मलबा निकाल दिए तो गवा खड़ा रहे। इसका मतलब वो माला गजब का माला है। एक संदेशा कहे कहे पटना राज मेरा है उनको बताना जाए पटना राज मेरा है। नहीं कही मेरा है।
आगे क्या हुआ? पटना राज मेरा है उनको बताना जाए कर, नाम ज्वाला है मेरा उनको सुनाना जाए कर, राज मेरा छोड़ दे वरना गजब हो जाएगा। राज मेरा छोड़ दे वरना गजब हो जाएगा, पाप कर राजा बना घड़ा पाप का। कौन है ज्वाला का होगा कुछ न समझ न आ रहा, राज का सपना ये जो संदेशा दे रहा, ज्वाला को कैद करके शान उसकी झाड़ूंगा, राज का सपना ये जो संदेशा दे रहा। मैं महाराज बुरा न मानो, बोलो अब हम कहना पठाओ, पठाओ तो इनका पठाओ उनका पठाओ। राजकुमार सलन हाँ। तुम एक काम करो, गैस सिलेंडर अगर वो माला माला मुझे मिल जाता तो मेरे दुश्मनों का सफाया हो जाता, उसी माले के जरिए दुश्मनों का सफाया कर देता। पिताजी उस ज्वाला को गिरफ्तार करने मैं जाऊंगा। शाबाश, लेकिन रास्ता बताने के लिए सेनापति साजू सिंह। ना 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 महाराज मैं नहीं जाऊंगा। आखिर क्यों? सरजू सिंह, सरजू सिंह घबराओ नहीं, तुम्हें सिर्फ रास्ता बता रहा है, बाकी काम हमारा बेटा करेगा। महाराज बुरा न मानो, एक ठुक कागज ले आओ, नक्शा बना दी, वही नक्शा देख के चला गया। नक्शा नहीं, साथ में रहेंगे तो अच्छा होगा। ज्यादा चालाकी मत कर, ठीक चल मेरे साथ रास्ता बताने के लिए। नहीं यहाँ भी पेलूंगा। जाओ दोनों आदमी जाओगे, सरजू सिंह तुम रास्ता बताते रहना। घबरा रहे ज्वाला के बच्चे, मेरा बेटा राजकुमार सिंह जा रहा है, तुझे कैद करके दरबार लाएगा।